Assalamualaikum, this is Manan Ashok with Floor Planet and hope you guys are doing great. तो आज हम बात करने वाले हैं Amazon Affiliate जो marketing है किस तरह से होती है, क्या possible ways हैं, किन लोगों के लिए best है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, all those things. काफ़ी देर पहले I think कुछ 6-7 महीने पहले काफ़ी ज़्यादा इससे related comments से काफ़ी ज़्यादा इससे related जो है वो queries थी कि हम Amazon जो है affiliate करना चाहते हैं, कौन से platform best हैं, कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए. तो उस टाइम मैं क्योंकि ऑलरेडी चीज़ों के साथ जो है बिज़ी था, तो मेरे लिए इसके ऊपर रिसर्च करना या वीडियो पोस्ट करना थोड़ा मुश्किल था, सो वो मैं नहीं कर पाया. बट नाउ आई थिंक के बेस्ट टाइम है ये चीज़ करनी चाहिए. तो उसमें मैं एक चीज़ आपको सबसे पहले जो है वो एक्सप्लेन करता चलूँ, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी सिंपल होंगी तो अंडरस्टैंड करना और फिर डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाता है दैट वी हैव टू डू इट और नॉट. तो सबसे पहली चीज़ की अगर हम बात करेंगे कि Amazon एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली आप एक कमीशन बेस्ड ये एक तरह से काम है जिसमें आपको कमीशन मिलता है जब भी Amazon के ऊपर फिर कोई सेल होती है. तो इसको अगर हम जनरल वे में देख लें तो इस तरह से है कि आप Amazon के जो सेल्स हैं वो करवाने में किसी ना किसी तरह से हेल्प कर रहे होते हो, जो ट्रैफिक होती है उसको Amazon की तरफ जो है वो पुश कर रहे होते हो, जिसकी वजह से जब भी कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट से, आपके चैनल से, आपके किसी अकाउंट से जो रीडायरेक्ट होता है Amazon के ऊपर और वहाँ पे जाके कोई चीज़ बाय करता है, तो Amazon उसके बिहाफ पे आपको कुछ स्पेसिफिक जो है कमीशन जो है वो देता है. ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं Amazon के ऊपर. अगर आपको अपना अकाउंट बनाना है Amazon एफिलिएट का तो वो बहुत आसान है, उसके स्टेप्स बहुत आसान हैं. तो पहली चीज़ तो आप अपना वहाँ पे Amazon एसोसिएट का अकाउंट बना लेते हैं. सेकंड, वहाँ पे इशू आता है लोगों को कि पेमेंट हमें किस तरह से मिलेंगी एंड ऑल दोज थिंग्स. देखिए, पेमेंट के लिए पेओनीर जो है वो बहुत ईजीली जो है वो आपको पेमेंट लेके दे देता है, तो उसमें ऐसा इशू नहीं है. तो वो आपका पेमेंट का इशू भी वहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है. ठीक है, वो आपको सारे इंटरनेशनल बैंक का वो दे देता है डिटेल्स जो कि आप वहाँ पे पुट करते हो और फिर आप अप्रूव हो जाते हो. तो वंस यू हैव योर Amazon एफिलिएट प्रोग्राम या आपका अकाउंट बन जाता है, तो उसके बाद आप क्या करते हो, फिर आप अपनी वेबसाइट, चाहे अगर आप ब्लॉग्स लिखते हैं, आप प्रोडक्ट के रिव्यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ आप करते हैं, तो वहाँ पे आप उसके फिर लिंक्स डालना शुरू करते हो, जहाँ से लोग उन लिंक्स पे क्लिक करके Amazon के ऊपर चले जाते हैं और वो वहाँ से जो भी प्रोडक्ट बाय करते हैं Amazon उसी के बिहाफ पे उसी के अकॉर्डिंग आपको कमीशन दे देते हैं. अब यहाँ पे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं या लोगों को लगता है शायद या सिर्फ मतलब के Amazon एफिलिएट मार्केटिंग के लिए शायद सिर्फ आपको वेबसाइट की ज़रिए कर सकते हो या कोई दूसरा और वे नहीं है. तो ऐसा नहीं है, नॉर्मली आप Amazon जो है वो वेब एफिलिएट जो है वेबसाइट्स के थ्रू कर सकते हो, अपने आर्टिकल्स ब्लॉग लिख के कर सकते हो, प्रोडक्ट रिव्यूज़ वगैरह डाल के. आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जा सकते हो जहाँ पे आपको पता है कि आप जिस तरह के प्रोडक्ट्स करते हो वहाँ पे उस तरह की ऑडियंस ज़्यादा है. आप एड्स चला सकते होते हो अगर आपको पता है कि आपका कमीशन ज़्यादा है और सेल कॉस्ट कम है, तो ऑनेस्टली फिर आप एड्स भी चला सकते हो फेसबुक और बाकी जगहों के ऊपर. आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो रिव्यूज़ वाली वीडियो बना सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो और इसी तरह से बाकी और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो इसमें मेरे ख्याल में ऐसा इशू नहीं है. ठीक है, तो आप सिंपली जो है वहाँ पे जाके ये काम कर सकते हैं. स्टार्ट में Amazon ने काफ़ी ज़्यादा कमीशन रखा हुआ था. लेट्स से कि एक चीज़ के ऊपर आपको अगर कोई चीज़ बाय करता था तो उसके ऊपर 10-15-20% तक जो है आपको कमीशन मिल रहा था. फिर लेकिन कुछ टाइम पहले Amazon ने जो है वो कमीशन जो हैं वो अमाउंट्स जो हैं वो काफ़ी कम कर दी, वो परसेंटेज काफ़ी कम कर दी, जिसकी वजह से कुछ लोगों के लिए फिर सस्टेनेबल नहीं था कि Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करना. बट फिर भी वो लोग जो ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग में हैं, जो कंटेंट पोस्ट करते हैं, जिनके अपने ब्लॉग्स हैं और या अपने यूट्यूब चैनल हैं, जिनकी ऑडियंस ऐसी कंट्रीज से है जहाँ पर Amazon है, तो फिर आप या सोशल मीडिया या ऐसे प्लेटफॉर्म या पेजेस उनके पास हैं जो ऐसे ट्रैफिक को हैंडल करते हैं, सो यू कैन डू एफिलिएट मार्केटिंग, Amazon एफिलिएट मार्केटिंग और एक अच्छी अर्निंग आप वहाँ से कमा सकते हैं, तो अच्छे लिविंग जो है बन सकती है वहाँ से भी. सो इट डिपेंड्स हाउ यू डू विद दैट. और तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है. आप जो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वहाँ पे डिटेल्स लिखते हो, इमेजेस लगाते हो, लिंक्स पोस्ट करते हो, उसके बाद आपको जैसे ही लोग उस पेज को, उस लिंक को विजिट कर रहे होते हैं, तो Amazon उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके एनालिटिक्स दिखाता रहता है आपके एसोसिएट अकाउंट के ऊपर और वो सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं,
जिनको देख के आप डिसीजन ले पाते हो कि हाँ जी कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितनी कम है, ज़्यादा है, एंड ऑल दैट, और उस थिंग्स कितने क्लिक्स आ रहे हैं, ताकि फिर आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सको और उसको इम्प्रूव कर सको या उसी हिसाब से जो है उसको आगे लेके चल सको। तो मेरे ख्याल में एफिलिएट प्रोग्राम है जो इसका अमेजोन का, विच इज़ ग्रेट, आपको ट्राई करना चाहिए अगर आप ऑलरेडी इस नीश के अंदर हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये स्टार्ट करना, तो मेरे ख्याल में स्टार्ट कर लेना चाहिए। ज़्यादा इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो कि मिल जाती हैं, तो प्रोडक्ट्स और बाकी चीज़ें भी आपको सारा आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से चीज़ें हैं, क्या क्या करना है। तो वो आई थिंक इट्स अ गुड समथिंग, यू शुड ट्राई दैट, और इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल दैट वुड बी ग्रेट। सो या दैट्स इट फॉर इट्स अ वेरी बेसिक आइडिया अबाउट द अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग, एंड होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। इफ यू रियली डू, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई विल गेट बैक टू यू विद अनदर वीडियो। टिल दैट टाइम थैंक यू, हैव फन।